हम साधारण इंसान डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे शख्स होते हैं जो हमें बीमार से बीमार कंडीशन से निकाल करके, ठीक करके, वापस से अपने पहले की लाइफ जैसे हम जी रहे थे वैसे जीने में हमारी मदद करते हैं। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, वो अपना हिम्मत नहीं हारते, वो अपना धैर्य नहीं छोड़ते और पूरी तरह से मेहनत लगे रहते हैं कि ये व्यक्ति जो उनका पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक होकर के जाए जहां से वो एडमिट होगा। लेकिन समय बदला, सिनेरियो बदले, ऐसे कई सिचुएशंस आई जहां पे हमने डॉक्टर्स को काम को क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये गलती किसकी थी, क्योंकि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक पूरी चीजों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये कहना सरासर गलती है कि गलती किसी एक की है और वो गलती करने वाला शख्स कौन है। अक्सर आप देखेंगे कि कई भी पेशेंट डॉक्टर के ऊपर नेगलिजेंसी का आरोप लगाते हैं, जबकि कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जहां पर डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती लेकिन जानबूझकर डॉक्टर को फंसाने की कोशिश की जाती है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे ही बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि किसी भी टेक्स्ट बुक की तरह है, लेकिन इसका यूज आपके कोर्स के लिए नहीं होगा, यह उनके लिए यूजफुल होगा जो डॉक्टर हैं, जो अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग लीगल एस्पेक्ट, या फिर जो ऐसे लॉयर हैं जो अपने में डॉक्टरों के केस को लेकर के और अधिक इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। क्योंकि आज मैं जिस छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट पावरफुल बुक के बारे में बात करने वाला हूं, ये एक स्पेशल डिमांड के ऊपर थी और आज का जो बुक का टाइटल है वह लॉ एंड द डॉक्टर, और इसके जो राइटर हैं वह सुनीला शर्मा, पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया एक किताब है। इस किताब में कोई भी बुक मार्क नहीं है, क्योंकि अपने आप में यह लॉ है, अपने आप में यह नियमावली है। इसको पढ़ करके आप हर एक वो चीज को जान जाएंगे जिसका जानना आपके जरूरी है। तो मैं सबसे पहले इसके जो कंटेंट है उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन कुछ एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपने कई बार ऐसी हिंदी मूवीज देखी होगी जहां पे ये दिखाया गया है कि डॉक्टर ने क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशंस में किसी व्यक्ति की जान बचाई और उस जान बचाने के पूरे प्रोसेस में कभी कभार बाय इंसिडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ इंटेंशनल विल, किसी व्यक्ति की कोई ना कोई डेथ हो गई, तो वहां पर डॉक्टर पर आरोप लगाया जाता है। दूसरा केस ऐसा भी देखा होगा आपने टेलीविजन में, डॉक्टर की नेगलिजेंसी की वजह से, हालांकि ये पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं जो टीवी में पिक्चरों में दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा सही लाइफ में भी होती हैं। तो ऐसे केस में दोनों के रेस्पेक्ट में जब आपको फंसाया जा रहा हो, जब आपकी तरफ से कोई गलतियां हो रही हो, तो आपको कुछ ये हक बनता है कि आप लॉ के बारे में जाने, क्या आपके राइट्स हैं और क्या आपको करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, इस तरह की जिनकी जानकारी है वो आपके पास होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो, या फिर आप लॉयर के प्रोफेशन में है तो। तो चलिए इस बुक में कौन कौन से कंटेंट है मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूं, क्योंकि कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द पॉइंट कि कैसे समझाया गया और किस तरीके से समझाया गया। और जहां कहीं भी ज्यूरिसप्रूडेंस की बात होती है तो वो जो लैंग्वेज है वो अपने आप में टफ हो जाता है, वहां पे फिर कोई स्पेसिफिक बुक मार्क की आवश्यकता नहीं है कि ये किस तरह से समझाया गया है। कंटेंट मेन है इस बुक में, आपको क्या क्या कंटेंट मिलेंगे थोड़ा फास्ट तरीके से आपको समझाता हूं। जो टॉपिक है हमारे कंटेंट है वह मेडिको लीगल क्लाइमेट टूडे। जैसा मैंने कहा कि एक समय था जब कुछ सिचुएशन बिल्कुल अलग हुआ करता था, जब ये सिचुएशन चेंज होने 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 होते गई तो आज के सिचुएशन में हम पहुंच गए। यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, न्यूज नेटवर्क फैले हुए हैं, तो जो पहले का क्लाइमेटिक कंडीशन था, वर्किंग कंडीशन था, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आज का चेंज कैसा है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो यहां पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। दूसरा है इंटरफेस बिटवीन लॉ एंड द डॉक्टर। लॉ और डॉक्टर दोनों अलग अलग पहलू हैं लेकिन एक ही सिक्के के हैं, यानी कि दोनों साथ में चलते हैं। इवन नॉट ओनली इन केस ऑफ डॉक्टर्स या फिर प्रोफेसर ऑफ डॉक्टरशिप, ये आज की डेट में हर जगह लागू होते हैं। तो दोनों को, दोनों चीजें जाननी चाहिए कि कैसे हम सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। अगला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूएस में आजकल इसके ऊपर खूब चर्चा की जा रही है कि अगर हम किसी वुमन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक ऑफ मेडिकल लॉ, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई हो जहां पर टर्मिनेट करना आवश्यक है, तो क्या लॉ है उसका, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट लगाया गया है, यानी कि कंज्यूमर मतलब यहां पे पेशेंट से है कि किस तरीके से जानकारी उनको होनी चाहिए और ये क्या क्या अधिकार उनको देता है। इसके बाद अगला है क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। देखिए मैंने जैसे कहा कि गलतियां तो गलतियां हैं, वो किसी से भी हो जाती हैं, कई बार इंटेंशनली और मोस्ट ऑफ द केसेस अनइंटेंशनली होती है। तो अगर ऐसा नेग्लिजेंसी देखने को मिलता है तो उस केस में कौन कौन से एक्ट लागू हो सकते हैं या उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं चलाई जा सकती हैं, वो यहां पे आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद है कंप्लेंट्स इन कोर्ट। अगर कोर्ट में
कंप्लेंट चला गया तो फिर आप कैसे करेंगे? लीगल केस इन्वॉल्विंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है जो एक स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं, कितना डोज ऑफ एनेस्थेसिया शुड बी गिवन टू पर्टिकुलर पेशेंट कि उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए, उसमें किसी तरह की कोई गलती अगर होती है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या कानून है हमारे पास। लीगल केसेस इन जनरल थोरैसिक एंड यूरोलॉजिक सर्जरीज, वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से बायफर्केशन कर दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज, उनके ऊपर कौन कौन से लॉ लगते हैं वो दिखाया गया है। लीगल इश्यूज इन प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांससेक्सुअलिज्म, मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट, आज के डेट में आपने कई बार सुना भी होगा कि जेंडर चेंज किया जा रहा है उसके लिए कौन से लॉ है। फिर हम पढ़ेंगे लीगल इश्यूज इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे लीगल कंसर्न इन ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जरी, फिर है लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंजर्ड, लीगल इश्यूज इन न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट फिजिशियन, कंप्लेन अगेंस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लीगल इश्यूज इन पेडियाट्रिक्स, लीगल इश्यू एंड अदर मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड लॉ। तो पूरी तरह से एक छोटी मिनी लॉ की किताब है जो स्पेशल कंसर्न रखती है मेडिकल के फील्ड में प्रैक्टिस करने वालों से, चाहे वो आप किसी भी डिवीजन के बिलोंग करने वाले हों, उनको ये प्रॉपर लॉ की जानकारी देती है। अक्सर आप ये सोचते होंगे कि जब डॉक्टर कभी भी किसी तरीके की एक्टिविटी करते हैं जो कि उनके रूल के अगेंस्ट में, तो क्या उनको पनिश किया जा सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि लॉ इज सेम, लॉ इज कॉमन, लॉ इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी वन। यहां पर ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस गलतियां नहीं की जाती हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं और एक्सेप्शनल केस के छोड़ करके ये चीजें दोनों तरफ से बैलेंस करती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने ये देखा होगा कि पेशेंट को रिकवर नहीं किया जा सकता कितनी भी कोशिश करने के बाद, बट जो उनके पेरेंट हैं या उनके जो परिचित हैं, परिवार वाले हैं, वह इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और वो हंगामा करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में आप हर हॉस्पिटल में ये चीज नोटिस बोर्ड में देखे होंगे कि डॉक्टर में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स या उनकी जो मशीनरीज है, इनको हार्म करना, इनको तोड़फोड़ करना इज अ कानूनन अपराध। तो उसमें पूरी लीगल जानकारी आपको अगर चाहिए रहती है तो ऐसी किताबें आपको काम करेंगी। ये भी फार्मेसी एम फार्मेसी के बच्चों के लिए नहीं है, ये एक डिमांड था कि क्या ऐसा कोई लॉ की किताब है जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों को जान सकें विद स्पेशल रेफरेंस टू एमबीबीएस स्टूडेंट, ताकि वो प्रैक्टिस करने से पहले अपने आप को मेक इन अप कर सके, अवेयर इन अप कर सके। तो आज के शॉर्ट वीडियो के लिए इतना ही, बेसिक जानकारी था। इस बुक में आपको मिलेंगे चीजें हमने आपको डिस्कस किया, अगर आप चाहें तो आप इसको अमेजॉन से या जहां से भी आपको सुटेबल लगे वहां से आप देख सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए आप अप टू फ्री हैं कि आप जहां से चाहें वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।